ये होते हैं क्या, एम्प्लॉयमेंट में आपका गुजारा निकल जाता है, मतलब दिन भर का महीने भर का जो खर्च है वो आप एम्प्लॉयमेंट में नौकरी से निभा लेते हैं। और इधर क्या देखते हैं हम, सिर्फ सेफ्टी देखते हैं। लेकिन पूछती हूँ, आज इतने सारे इंजीनियर्स आ रहे हैं, इतने सारे डॉक्टर्स आ रहे हैं, उनको नौकरियां मिल रही है क्या? हमारे यहाँ 15 लाख इंजीनियर्स हर साल पैदा हो रहे हैं, हर साल। उन सब इंजीनियर्स को नौकरी मिल रही है? उन सब डॉक्टर्स को प्रैक्टिस करने को मिल रहा है? इतने सारे बड़े बड़े प्रोफेशन एजुकेशन हो रहे हैं, तो वो प्रोफेशन मिल रहे हैं इनको, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। उसके बाद सेकंड जो क्वाड्रेंट आता है वो है स्मॉल स्केल। यहाँ पे आपका कोई बॉस रहता है, आपको आजादी नहीं रहती, आप उस पर निर्भर हो ताकि आपका बॉस जो भी बोले आपको काम करते रहना पड़ेगा, तभी पैसा आएगा। लेकिन जब आप एस क्वाड्रेंट में आते हो तो आपको थोड़ी आजादी रहती है। इज देयर इन द एस क्वाड्रेंट? एस क्वाड्रेंट में कौन आता है? जो छोटे बड़े छोटे से व्यापारी है, या तो कोई तज्ञ है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं, जो खुद का कारोबार चलाते हैं लेकिन स्मॉल स्केल में, छोटे स्केल में, उनका स्केल बड़ा नहीं होता। लेकिन ये स्मॉल स्केल भी लगाते हैं तो इनको क्या करना पड़ता है, शटर गल्ला खोलना पड़ता है, उसका दुकान खोलना पड़ता है। जब तक वो मजबूत है तब तक शटर खुलता रहेगा और इधर से आमदनी आती रहेगी। लेकिन इधर आमदनी कैसे आएगी, एक तो उसको हाई एजुकेशन लेना पड़ेगा, बहुत हाई एजुकेशन लेना पड़ेगा, ताकि वो एक काउंसलर बने, तज्ञ बने, या तो जो भी कारोबार करना है वो करे। या तो उसको थोड़ा सा कैपिटल डालना पड़ेगा, थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा ना, धंधा तो ऐसे ही, व्यापार तो ऐसे ही नहीं खुलेगा, इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा भांडवल तो लगाना, कैपिटल लगाना पड़ेगा। पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा? बैंक पूछेगी सिक्योरिटी क्या है, आपके पास क्या है जो गिरवी डाल के ये पैसा मैं आपको दूँ, क्या गारंटी है कि ये आपका धंधा चलेगा, कौन आप पे भरोसा करेगा? ये स्मॉल स्केल में लगता तो आजादी है, लगता तो आजादी है, लेकिन ये जो आपको लग रहा है ये स्मॉल स्केल, यानी जो व्यापार आपके लिए काम कर रहा है, ये व्यापार के आप मालिक हो, ऐसे नहीं होता है। आप किसी दूध वाले डेयरी वाले को पूछ लो, सुबह 5 बजे 4 बजे खोलेगा तभी उसको शाम को पैसा आएगा। ये एक्चुअली हम सोचते हैं कि यहाँ पे आजादी है, हम इस व्यापार के मालिक हैं, ऐसा नहीं है, ये व्यापार ही आपका मालिक है, क्योंकि जब तक खोलोगे तब तक वो आपको आमदनी देगा। जिस दिन आप ऊपर नहीं किया शटर, वो गल्ला नहीं खोले, इधर से पैसा आएगा क्या? नहीं। एक हाथ बार किसी का कुछ गड़बड़ी हो गई तो इधर से पैसा आएगा क्या? खुद डॉक्टर साहब कभी बीमार हो गए तो पैसा आएगा क्या डिस्पेंसरी से? आएगा नहीं, नहीं आएगा। कोई इंजीनियर की खुद की कुछ गड़बड़ हो गई, कार बिगड़ गई, या तो उसका इधर तो अभी पुल गिर रहा है, कुछ भी हुआ, बाई यू नो द लक और द बैड लक, इधर से आपको आमदनी आएगी क्या? नहीं। सो स्मॉल स्केल से भी आपको आमदनी नहीं आती। ये आपका क्या है, लेफ्ट साइड है, क्या साइड है आपका? लेफ्ट। ये कौन सा साइड है आपका? ये तो सेफ साइड है, लेकिन इसको क्या कहते हैं हम, रिस्क है। यहाँ पे क्या है आपको, रिस्क है। ये बी क्वाड्रेंट है, ये बी क्वाड्रेंट यानी बड़ा बिजनेस, बिग जायंट बिजनेस। यहाँ पे आपको बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, इसके लिए आपको हिम्मत चाहिए, स्पिरिट चाहिए, अच्छा सा एजुकेशन चाहिए, कैपिटल लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, मैन पावर लगाना है, सब कुछ इधर आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जो बी बिग बिजनेसमैन है, कभी भी रिसेशन आएगा, रिसेशन मतलब मंदी आएगी, तो इसको फर्क गिरेगा, गिरेगा नहीं गिरेगा, क्योंकि इसने अपना सिस्टम इतने अच्छे से बना के रखा होगा, पॉलिसी इंश्योरेंस सब चीज इतने बड़े से अच्छे से बना के रही होगी, इसको कितना भी कुछ भी हलचल हो इतना फर्क नहीं मिलेगा। आप समझते हो कितने लोग यहाँ से इंडिया से भाग गए, पैसा गड़बड़ करके गया है ना, कुछ फर्क गिरा उनको?
लेकिन वही खेती वाले किसान अगर कर्ज नहीं दिए तो क्या हुआ, तकलीफ हुआ ना। तो ये जायंट जो है, बिग है, वो सिस्टम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सिस्टम लगाते हैं, पैसे का सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टम, उनके आदमियों का सिस्टम, एक बड़ा सा नेटवर्क यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, जो नेटवर्क उनके लिए काम करता है, वो सिस्टम उनके लिए काम करता है। आपको समझ में आ रहा है ये क्वाड्रेंट कौन सा है? जायंट क्वाड्रेंट है। यहाँ पे लोग सच्ची आजादी देते हैं। उससे भी बढ़िया क्वाड्रेंट है आई। आई यानी क्या बताया आपको? कोई बोलेगा आई यानी क्या? आई यानी खुद। आई यानी खुद कौन बोला? इंटरनेशनल स्केल पे आई स्टैंड फॉर आई, यस, मैं के लिए भी काम करता है, इंटरनेशनल के लिए भी काम करता है, लेकिन आई स्टैंड फॉर व्हाट? खुद को इन्वेस्ट करना पड़ता है, इन्वेस्टर का आय रहता है। आय क्या रहता है? इन्वेस्टर का आय। जो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है वो इन्वेस्टर का है, आय का है, जो पैसा लगाता है, जो टाइम लगाता है, जो सिस्टम लगाता है, जो नेटवर्क लगाता है, वो आय है। ये सभी क्वाड्रेंट हम आमदनी चाहते, पैसा चाहते, संपत्ति चाहते, लेकिन किस हिसाब से लाएंगे? ई जो सेफ है, आपको दिखता सेफ है लेकिन वो नहीं है। एस जहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलती है, लगता है कि हम मालिक है लेकिन वो कारोबार ही आपका मालिक है। इधर जो अच्छे से बनाने के लिए बहुत टाइम लेते हैं लेकिन ये अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बना के रखते हैं। और जो आय है, आय दैट इज रियल आय, जो उन्होंने कहा खुद के लिए, ये खुद के लिए ही नहीं है, ये आने वाली जनरेशन के लिए भी है। जब इन्वेस्टर काम करता है तो पैसा उसके लिए काम करता है, इन्वेस्टर के लिए पैसा काम करता है। हम पैसे के लिए काम करते हैं, बराबर है? इधर हम क्या किए? पैसे के लिए काम कर रहे हैं। इधर के जो राइट साइड क्वाड्रेंट है वहां पे पैसा आपके लिए काम करता, अच्छा लगेगा? पैसे के लिए काम करना अच्छा रहेगा कि पैसा आपके लिए काम करे अच्छा लगेगा? पैसा हमारे लिए काम करे। सुनाई नहीं दिया? पैसा हमारे लिए काम करे। सुनाई नहीं दे रहा है? क्या चाहते हो? पैसा आपके लिए काम करे कि आप पैसे के लिए काम करोगे? पैसा आपके लिए काम करे, ताकि जब भी टाइम आए तो वो पैसा आपके लिए हाजिर रहे, आपके आने वाली जनरेशन के लिए हाजिर रहे। ये चाहते हो तो ये राइट क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा। अभी राइट क्वाड्रेंट में आने के लिए कुछ तो राइट करना पड़ेगा। रॉन्ग करोगे तो राइट क्वाड्रेंट में आओगे क्या? नहीं आ सकते। तो ऐसा राइट क्या करना है तो हम राइट क्वाड्रेंट में आ जाए। एक एग्जांपल आपको बोलती हूँ, गिरगांव में खाड़ीलकर रोड है, ओके? दो शॉप वाले मसाला, जानते हो मसाला, पापड़, अचार, या दो शॉप वाले आमने सामने की दुकान है। आमने सामने की बहुत पुरानी, 70 से 80 साल पुरानी इनकी दुकानें है। हम दोनों मसाले वालों से मसाले लेते थे, अचार लेते थे, सब कुछ लेते थे। लेकिन एक अचार वाले ने ये डिसाइड किया, जब उन्होंने अचार का बिजनेस शुरू किया तो लोग उनको पहली तो चीज बोल रहे थे, क्या पागल कर है, क्या औरतों का बिजनेस निकाला है, अचार बना के बेचेगा क्या, मसाला लेके बेचेगा क्या? और उन्होंने ये सुना नहीं। ये आज की, मतलब उस जमाने की वो जरूरत थी कि औरतें बाहर निकल रही थी, कुछ अलग टेस्ट चाहिए थी और दुकानें होटल्स बन रही थी तो उनको मसाले बनाने थे। लोग हंसे उनके, क्या मसाला बनाएगा तू, मसाला बेचेगा, अच्छा कुछ सीखो या तो अच्छा बड़ा वाला बिजनेस करो, मसाले का बिजनेस करो क्या? लेकिन दो फ्रेंड्स ने डिसाइड किया, हाँ हम मसाले का बिजनेस करो। लेकिन एक बिजनेसमैन जो बहुत अच्छा सा मसाला बनाता था, वहीं पे उसी खाड़ीलकर रोड पे, वहीं गिरगांव पे मसाले बनाते गया, बनाते गया, बनाते गया। लेकिन दूसरा मसाले वाला, जिन्होंने ये सोचा कि आज यहाँ की जरूरत है कल वहां की होगी, और आगे जाके पूरे महाराष्ट्र की जरूरत होगी, पूरे भारतवर्ष की जरूरत होगी, अब्रॉड की भी मसाले की जरूरत है। आप जानते होंगे कोई अब्रॉड जाता है तो चुपके से थोड़ा सा गरम मसाला दे दे, वो काला मसाला दे दे, हल्का वाला मसाला भर भर के लेके जाते हैं यहाँ से, बराबर है? क्योंकि हमारे यहाँ चीजें अच्छी बनी है। उन्होंने विजुलाइज किया, उसी बायनाकुलर से, उसी दूरबीन से देखा कि अगर मैं
यहीं पे सिर्फ मसाला बेचता रहूं तो मुझे 50 लोग मिलेंगे या तो 150 लोग मिलेंगे या तो चलो 250 लोग मिलेंगे, लेकिन दूसरे ने विचार किया कि मुझे अगर बढ़ना है तो मुझे क्या करना है, मुझे ग्राहक बढ़ाने, कंज्यूमर्स बढ़ाने, मेरे कंज्यूमर्स ग्राहक को क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। मैं एक जगह पर टिकी रहूंगी तो मेरा ग्राहक बढ़ेगा क्या? एक ही जगह पे नहीं बढ़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और बाहर निकलना। मैं जितनी बाहर निकलती जाऊंगी मेरा बिजनेस बढ़ता जाएगा, मेरा व्यापार अच्छे से बनता जाएगा, मेरा कंज्यूमर्स बढ़ेगा। उस व्यापारी ने, उस मसाले वाले ने क्या किया, उस वक्त जो 35 साल पहले डॉक्टर लीम ने किया था वो 70 साल पहले उस मसाले वाले ने किया। उसने फ्रेंचाइजी देने को शुरू कर दी। क्या देने को शुरू कर दी? फ्रेंचाइजी। अभी वो मसाले वाले का नाम सुनना चाहते हो? जिसने एक ही जगह पे अपना मसाला किया उसको शायद आप पहचानते नहीं होंगे, लेकिन जिसने पूरा महाराष्ट्र, हिंदुस्तान और अंतर्राष्ट्रीय दर्जे पे मसाला बनाया, उनका नाम है बेड़ेकर।